दोस्तों जय हिंद जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि मैं राहुल कुमार आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी एजुकेशन है मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं बता दूं कि मैं डेली दो से तीन वीडियो अपलोड करते रहता हूं लाइब्रेरी के वैकेंसी एंड ट्रेनिंग के लिए तो दोस्तों आज जब वैकेंसी निकल गई दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आपके पी से निकल के आइए जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी जबलपुर से है, है ना देखिए यहाँ पे डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग जबलपुर से निकल के आया है ना यहाँ पे जबलपुर से जो निकल के आया देखिए यहाँ पर कुछ वैकेंसी आई है जो 22 बारह दो हज़ार को निकल के आई है ना इसमें आप देखिए किस तरह की पोस्ट आई है इसमें कुछ रेगुलर पोस्ट भी है और कुछ नॉन टीचिंग भी पोस्ट भी आया हुआ है ना तो देखिए नीचे क्या, क्या क्या पोस्ट आया हुआ है देख लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट पोस्ट जो आपका है रजिस्ट्रार का है जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है ना फिर देखिए सेकंड में हमारा लाइब्रेरियन का है फिर असिस्टेंट रजिस्ट्रार का सीनियर टेक्नीशियन का है टेक्निकल का है फिर टेक्निकल ऑफिसर का है तो हमें ध्यान देना लाइब्रेरियन का लाइब्रेरियन का देखिए आया वैकेंसी जो कि ग्रुप ए का है इसमें टोटल पोस्ट बात करें यू में आया है एक पोस्ट आया है है ना और इसका देखिए जो इसका पे स्केल रखा गया लेवल फोर्टीन का है मतलब स्टार्टिंग सैलरी आपका एक लाख चौलीस हज़ार दो सौ से होगा है ना फिर देखिए इसमें नीचे आते हैं तो और इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी ले, ले, है क्या क्वालिफिकेशन मांग रहा है ये आपको सब दिखा जाएगा ठीक है यहाँ देखिएगा लाइब्रेरी का वैकेंसी यहाँ लिखा हुआ है ना देखिए यहाँ पर लाइब्रेन की वैकेंसी है और इसमें कह रहा है कि आपका जो एज होना चाहिए फिफ्टी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए है ना लेकिन फिर इसमें कह रहा है देखिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको मास्टर्स डिग्री कहा जा रहा है मास्टर्स विद फिफ्टी मार्क्स होना चाहिए मतलब आपने एम एस कम्प्लीट कर लिया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं लेकिन एम एस में फिफ्टी मार्क्स होना चाहिए अगर इससे कम मार्क्स है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते फिर कह रहा है क्या सेकंड में कि आपका एटलीस्ट टेन ईयर डिप्टी लाइब्रेन में ही आपका काम होना चाहिए मतलब अपने दस साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए है ना वो भी किस में डिप्टी लाइब्रेरियन में इसका नीचे वाला पोस्ट जो होता है डिप्टी लाइब्रेरियन का पोस्ट होता है इसमें आपका होना चाहिए ठीक है दस साल का एक्सपीरियंस फिर कराए पी एच डी डिग्री लाइब्रेरी साइंस आपने एम एल एस के बाद पी एच डी डिग्री भी होता है पी एच डी डिग्री आपने किया है तो फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं नहीं तो आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं ठीक है ये आपका पी एच डी डिग्री एकदम मस्ट है फिर आइए नीचे देखते हैं कैसे अप्लाई करना है इसको तो देखिए दोस्तों अप्लाई करने के लिए यहाँ कह रहा है जनरल इसेक्शन में कि देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अप्लीकेशन आर इन्वाइटेड इन ऑनलाइन मोड ऑनली है ना कह रहा है ना ये पे ऑनलाइन मोड होगा सिर्फ और मस्ट फिल आउट ऑनलाइन पोर्टल जाना इसको लिंक को आपको कॉपी कर लेना है और फिर जाकर अपने गूगल पे या फिर क्रोम पे जाकर आपको इसको पेस्ट कर देना है पेस्ट करने के बाद इसको करना है वहाँ से आपका फॉर्म खुल जाएगा और खुलने के बाद आप उसको अप्लाई कर दीजिएगा देखिए जो दोस्तों फॉर्म भरने का जो स्टार्टिंग डेट है आपका उनतीस बारह से स्टार्ट हो गया है और आपका पच्चीस एक दो हज़ार चौबीस तक का जो है आपका लास्ट डेट रखा गया है द तो लास्ट डेट रिसिप्ट कंप्लीटेड अप्लीकेशन फॉर्म जैसे ही आप फॉर्म को अप्लाई कर देते हैं अगर उसमें पेमेंट भी लगा तो पेमेंट कर देना है उसके बाद पच्चीस एक 2024 के पाँच बजे तक उसका लास्ट डेट रखा गया है है ना फिर उसको क्या करना है कि जैसे ही आप इसको अप्लाई कर दें पच्चीस को अप्लाई कर देने के बाद उसको तुरंत पोस्ट भी कर देना है पच्चीस को अप्लाई करने के बाद उसको पोस्ट कर देना है पोस्ट कर दीजिएगा अपने रजिस्टर्ड जितने बगल कैप के जो भी पोस्ट ऑफिस होंगे वहाँ से पोस्ट कर देना है ताकि पाँच बजे पाँच तारीख से पहले पहले वहाँ पहुँच जाए या पाँच से अगर आप बाद अप्लाई करते हैं या पोस्ट करते हैं तो उसको इनवेलिड कर दिया जाएगा है ना <coughs> लेकर दोस्तों आप फिलिंग आउट ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन रिक्वायर टू टेक प्रिंट आउट अपलीकेशन एंड इनक्लोलोज द टेस्टीमोनियल्स मतलब टेस्टीमोनियल में क्या आ गया आपका टेंथ से लेकर के बिलिस एमलिस सब का डिग्री पी एच डी का डिग्री इसमें मांग रहे हैं पी एच डी भी देना है टेंथ साल का एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट भी देना है इसमें ठीक ना उसको क्या करना है फिर पाँच दो दो हज़ार चौबीस से पहले पहले, पहले आपको अपना इंडियन पोस्ट से आपको उसको भेज देना है दोस्तों कहाँ भेजना है देखिए तो भेजने के लिए आपको यहाँ डेट यहाँ देखिए मैं जूम कर दिया हूँ देखिए ये आपका एड्रेस रह गया है द डिप्टी रजिस्ट्रार एस्टैब्लिशमेंट पी डी पी एम आई आई टी डी एम जबलपुर डुमा एयरपोर्ट रोड पी ओ खमारिया जबलपुर फोर एट टू डबल जीरो फाइव एम पी इंडिया ठीक है यही आपका एड्रेस है इसी आपको पोस्ट कर देना है पोस्ट करते ही आपको अपना एक तो उसको जो रिसीविंग मिलता है वो आपको के रखना पड़ेगा ठीक है उसे आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे मेरा अप्लीकेशन पहुँचा है कहाँ नहीं पहुँचा है ठीक है तो देखिए इसमें दोस्तों कार्ड कि कि आप इसको अप्लाई करें फिर और नीचे देखिए क्या इसमें लिख रहा है और नहीं चाहते हैं तो ये प्रीवियस एडवर्टाइजमेंट का है अगर प्रीवियस वाला भी कोई अप्लाई किए हैं तो वो अपना देख सकते हैं अभी तक उसका फॉर्म नहीं फिलअप हुआ है कि नहीं हुआ है उसका इसमें लिखा हुआ है क्या करना है ठीक है तो आशा कर दोस्तों सही बस में आ गई होगी फिर भी अगर कोई दिक्कत होगा तो आप मुझसे मेरा टेलीग्राम चैनल पर और या फिर मेरे व्हाट्सअप पर एक नया एक ग्रुप बना दिया है दोस्तों आप मेरे व्हाट्सअप का चैनल का लिंक आपके मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ पर आप आके मेरे व्हाट्सअप चैनल के ग्रुप में जुड़ सकते हैं ठीक है वहाँ से आपको डेली एडवर्टाइजमेंट मिलते रहेगी कि मैंने कौन से दिन कौन सा पोस्ट डाला है आपको वहाँ से डेली मिलते जाएगा ठीक है तो अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिला यूट्यूब की मदद से माध्यम से तो आप मेरे व्हाट्सअप के माध्यम से जुड़ सकते हैं ठीक है व्हाट्सएप के माध्यम से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा या फिर आपको टेलीग्राम के माध्यम से भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा ठीक है तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको समझ में सारी बात आ गई होगी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें दोस्तों और अपने दोस्तों को भी शेयर करें मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फॉर watching दिस वीडियो अबाउट द दिस यू गेट information अबाउट हाउ टू फिल दिस फॉर्म एंड डोंट forget टू सब्सक्राइब टू my चैनल टू स्टे अपडेट इस वीडियो को देखने के लिए बस इतना ही आपको इस फॉर्म को कैसे भरना है इसके बारे में जानकारी मिलेगी और अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और आपको वीडियो से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो में जो पी है उसे डाउनलोड करने लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल लाइब्रेरी एजुकेशन हब में जुड़ना होगा वहां से आप पी डाउनलोड कर सकते हैं धन्यवाद